हम न केवल गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को पूरे सम्मान के साथ शीर्ष पर रखकर लाते हैं, बल्कि संकट में फंसे अपने सिख भाइयों को भी बचाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। प्रेम और सौहार्द हमारे संस्कारों का हिस्सा है। साथियों, हमारे गुरु की वाणी है, भय काहू को देत नहीं, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुनी रे मना, ज्ञानी ताही बखानी। अर्थात ज्ञानी वही है जो न किसी को डराए और न किसी से डरे। भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा नहीं पैदा किया। आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, एक ही कामना करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य का सामने रख करके हम करते हैं। भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्थ्य और शांति की कामना से करता है। कल ही मैं गुजरात से लौटा हूं, वहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब भारत विश्व के कोने कोने तक पारंपरिक चिकित्सा का लाभ पहुंचाएगा।